डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने लास्ट टाइम डायरेक्ट वेरिएशन किया और इनवर्स वेरिएशन किया। डायरेक्ट वेरिएशन एक अलग टॉपिक था, फिर इनवर्स वेरिएशन एक अलग टॉपिक आया। एक टॉपिक है वो जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन में A combination of direct and inverse variations of one or two variables form joint variation. Joint variation में क्या होता है कि या तो direct inverse एक साथ होते, या फिर अगर direct है तो फिर तीन alphabet साथ होंगे, और अगर inverse है तो तीन variables साथ होंगे। यानी कि direct inverse साथ भी हो सकते हैं, और अगर खाली direct है तो फिर तीन एटलीस्ट अल्फाबेट जरूर होंगे, और इनवर्स में भी तीन अल्फाबेट्स कम से कम जरूर होंगे। उसको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। अब एक्सप्लेनेशन में तौर पे एक सिंपल सा मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेता हूं। इफ अ वेरिएबल, देखिए वेरिएबल यहां पे मतलब होता है अल्फाबेट से, वो अल्फाबेट जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना उसे वेरिएबल कहते हैं। इफ अ वेरिएबल वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, अगर एक वेरिएबल वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और यही वाई इनवर्सली है जेड के, तो उसको करने का तरीका पहले डायरेक्ट बना लेते, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y और x सामने सामने, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ये टॉपिक पढ़ चुके हैं इसलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। एंड y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z, यही y इनवर्सली है z के, और इनवर्सली भी लिखने का आपको तरीका आता है कि 1 के नीचे वो वाला अल्फाबेट लिख देते। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z। जॉइंट वेरिएशन अगर करें, अब क्योंकि y दो हैं तो y एक दफा लिख देंगे, फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, x लिखेंगे, और क्योंकि z नीचे है तो x के नीचे z लिखते हैं। इस तरह इसका भी कांस्टेंट चेंज होगा, देख सकते हैं आप दो से ज्यादा अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, मतलब तीन अल्फाबेट यहां पे इन्वॉल्व हैं। y इक्वल टू k, यानी कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इक्वल टू लगाया जाता है और k लगाया जाता है, और x अपॉन z, k की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगी z y के पास चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू z y अपॉन x आ जाएगा। हमने ज्वाइंट वेरिएशन में ये पढ़ा कि डायरेक्ट इनवर्स दोनों एक ही वक्त में एक सवाल में होंगे, या अगर सिर्फ डायरेक्ट हुआ तो एटलीस्ट तीन अल्फाबेट्स होंगे, और इनवर्स हुआ तब भी तीन अल्फाबेट्स होंगे। इसको कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, राइट। अब इसके आते हैं क्वेश्चंस, एज यूजुअल जो कह चुका हूं, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई गलती ना होने पाए। जो भी स्लाइड्स मैं दे रहा हूं, साइमल्टेनियस की भी दी थी, इसकी भी दी, इस चैप्टर की भी, और आगे एक और चैप्टर आएगा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उन सब के इन स्लाइड्स के एक ईच एंड एवरीथिंग कॉपी में लिखना कंपलसरी होगा, और असाइनमेंट जो होगा वो अलग होगा। सवाल शुरू करते हैं। इफ वाई वेरीज ज्वाइंटली एज एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 9, इसमें भी यही है, दो कॉलम बनेंगे, एक में फाइंड से पहले वाला हिस्सा सॉल्व होगा, एक में फाइंड के बाद वाला हिस्सा। शुरू करते हैं। y varies jointly as x square and z. तो y proportional to x square, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे inversely का लव्स इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको हम direct ही ले लेंगे। y proportional to x square z. y equal to k x square z. देखा जा सकता है कि तीन अल्फाबेट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली होगा तो मैंने कहा था क्या तीन अल्फाबेट होंगे, y equal to k x square z. अच्छा, फाइंड से पहले y की वैल्यू आएगी 6, k ऐसी रहेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है डायरेक्ट इनवर्स में कि पहले कॉलम में k मालूम होता है। x की जगह 4 आ जाएगा तो इट बिकम 4 स्क्वायर, z की जगह 9 आ जाएगा तो ये 9 यहां पे आ जाएगा, याद रहे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16, और k की वैल्यू निकालने के लिए 16 इंटू 9, 4 स्क्वायर और 9 जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें, या यहीं पे 16 नाइनसा कर दें, जो भी ये बनता है, आई थिंक 144 क्या बनता है, उस 144 को फिर 6 के नीचे शिफ्ट कर देंगे तो k की वैल्यू कैंसिल होके 1/24 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, दोबारा से y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर z, y इक्वल टू k x स्क्वायर z, तो फिर y इज इक्वल टू k की जगह 1/24 जो यहां से आता है, यहां पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब x की वैल्यू है -8, वैसे वैल्यूज अक्सर प्लस ली जाती है लेकिन मैंने -8 ले लिया है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, -8 स्क्वायर, ठीक है,
क्योंकि ये पावर टू है तो अंदर का माइनस ऑटोमेटिक प्लस में चेंज हो जाएगा. एट स्क्वायर 64 इंटू 12, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1/24, ये 24 डिनोमिनेटर में है, तो 12 वन 12, 12 टू 24 एंड 2 थ्री 6, 2 टू 4, तो y की वैल्यू 32 आ जाएगी. आगे चलते y. अच्छा, अब इसमें एक ही वक्त में दोनों काम किए, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और इनवर्स भी किया है. y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर. ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, यानी y x क्यूब के डायरेक्टली है और y इनवर्सली है z स्क्वायर t के. इनवर्सली है z स्क्वायर t का, z स्क्वायर एंड t का मतलब होता है कि z स्क्वायर और t को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये इनवर्सली है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यूब के और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर t के. तो जब y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब होगा तो x क्यूब ऊपर आ जाएगा और y प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो z स्क्वायर t नीचे आ जाएगा. k x क्यूब अपॉन z स्क्वायर t, वही बात आ गई. फाइंड से पहले, हाउ से पहले पहले, या वेन से पहले पहले, जो कुछ होता है वो पहले कॉलम में आता है. y की जगह आ गया 16, के ऐसे आ गया, x आप देख सकते हो ऊपर 4 है, वो 4 इधर पुट कर दूंगा, 4 क्यूब हो जाएगा अपॉन z स्क्वायर. z स्क्वायर का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, वो 3 आ गया. 4 इंटू 3 12 हो गया. 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, ये 64 आ गया. अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 को 16 के पास भेज दें और 64 को नीचे आके डिवाइड कर दें, k की वैल्यू 3 आ गई. रिपीट करता हूं, 12 नीचे है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और k 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. इट विल बिकम k इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 64. कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, k इक्वल टू 3. कैलकुलेटर अलाउ है, ऑल द टाइम अपने साथ कैलकुलेटर रखिए. आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम में y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, ये डायरेक्टली हो गया. y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z स्क्वायर t, ये इनवर्सली हो गया. जब मिला देंगे तो ये बनेगा x क्यूब अपॉन z स्क्वायर t, यानी डायरेक्टली वाला पहले आता है, उसके नीचे इनवर्सली वाला आ जाता है. यहां पे आपको y की वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं कि मतलब y की वैल्यू हो. y इक्वल टू k की वैल्यू यहां से रखी 3, आपके x है 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन z है इस मरतबा 3, 3 स्क्वायर इंटू t है यहां पे 4, जो फाइंड के बाद होता है, दूसरे कॉलम में वैल्यूज आती है. 2 क्यूब का मतलब होता है 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 3 स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 4 जा 36. अब आप इसको चाहें तो डिवाइड करके सॉल्व कर लें, चाहें तो आप इसको 24 अपॉन 36 करके कट करके सॉल्व कर लें, तो y इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब. एक्स वाई क्यूब का मतलब होता है कि v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, एक्स और वाई क्यूब के प्रोडक्ट के. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो एक्स और वाई क्यूब को एक साथ कर देंगे और इनवर्सली है जेड स्क्वायर के, तो जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा. जैसे कि पहली बार बताई जा रही है, जब कोई चीज किसी के डायरेक्टली होती है तो वो उसके सामने आती है, और जब वही चीज किसी के इनवर्सली होती है तो वो एक चीज नीचे आ जाती है. v इक्वल टू वही कॉन्स्टेंट लगाए, के एक्स वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, v की जगह वही फाइंड से पहले, v की जगह आपके पास आ जाएगा 27, k की वैल्यू ऐसी की x की जगह आ गया 7, y की जगह 6, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब, और z की जगह 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, 666, और ये हो जाएगा आपका 27, ये आपका 666, 6 क्यूब 216, 216 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1512. वही वाली बात आ गई कि 7 स्क्वायर 49 होता है, 49 जाएगा पहले 27 के पास और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों का आंसर जो है 1512, वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. फिर रिपीट कर रहा हूं, 7 स्क्वायर 49 नीचे है, 49 वहां जाके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 इंटू 6 क्यूब ये बनता है 1512, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में. दोबारा यही लॉजिक लगाएंगे, y प्रोपोर्शनल टू x y क्यूब z स्क्वायर, y v इज इक्वल टू k x y क्यूब z स्क्वायर. आपको निकालनी यहां पे v की वैल्यू, k की वैल्यू 0.875 रखेंगे, आपके x 6 है, 6 रख देंगे, दूसरे कॉलम में फाइंड के बाद वाली वैल्यूज आती हैं, और 2 क्यूब यानी y क्यूब की जगह 2 क्यूब आ गया, z की जगह 3 स्क्वायर आ गया, 0.875, ये हो जाएगा 8, 8 6 48 48 अपॉन 9. इस थ्रू आउट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा 4.666. ये था ज्वाइंट वेरिएशन का टॉपिक.
जिसमें डायरेक्ट इनवर्स दोनों एक साथ होते, अगर सिर्फ डायरेक्ट हुआ तो एटलीस्ट तीन अल्फाबेट होंगे, और अगर इनवर्स खाली हुआ तब भी तीन अल्फाबेट होंगे। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्वाइंट वेरिएशन में डायरेक्ट इनवर्स दोनों एक ही वक्त में मौजूद होती है जैसे कि इस सवाल में है, या अगर डायरेक्ट हुई तो तीन अल्फाबेट होंगे और इनवर्स हुई तब भी तीन अल्फाबेट होंगे। ठीक है, और आप इस पूरे जितने भी शुरू से आखिर तक जितना भी मैंने इस पर एक्सप्लेन किया, एज यूजुअल बार बार कह रहा हूं ताकि भूले ना आप लोग, ये पूरा आपको अपनी कॉपी पर नोट करना कंपलसरी होगा अलॉन्ग विद असाइनमेंट जो आगे आएगा। एक और सवाल सिंपल सा, वाई वेरीज ज्वाइंटली एज एक्स एंड जेड। ठीक है, तो ज्वाइंटली का जब लफ्ज आ गया और इनवर्सली का लफ्ज नहीं आता तो मेनली डायरेक्ट ले लेते हैं, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड, वाई इक्वल टू के एक्स जेड, वाई की जगह सेवन आ गया, के ऐसी रहा, एक्स की जगह थ्री आ गया, जैसे देख सकते हैं फाइंड से पहले 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 कॉलम में जेड फाइव, थ्री फाइव से 15, 15 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने बोला फाइंड y इफ x रेशियो 3 इक्वल टू 3 रेशियो z, बड़ा आसान तरीका, y प्रोपोर्शनल टू xz, y इक्वल टू kxz किया, k की जगह आगे 0.466। xz कैसे निकाला जाएगा, आपने एक्सट्रीम अगर पढ़ा होगा, x और z एक्सट्रीम है, उनको मल्टीप्लाई करते तो xz आ गया, और 2 और 3 मीन है, उनको मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, तो इस पूरे xz की जगह वैल्यू आ जाएगी 6, तो जब 0.4666 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.796 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स वाई जेड की अलग से वैल्यू नहीं दी, एक्स को जेड से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, सवाल में थोड़ा चेंज आया है, एक्स जेड एक्सट्रीम है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड आ जाएगा और 2 3 6, तो एक्स जेड की वैल्यू 6, तो पूरे इस एक्स जेड की जगह 6 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई करके वाई इक्वल 2.796 आ गया। असाइनमेंट या असेसमेंट टू बी फॉलोड, और ये बात अब दोबारा भी कह चुका हूं कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस अगर वीडियो में मौजूद है तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को इंडियन फिल्मों की तरह मत देखा करें बल्कि रोक रोक के देखा करें, दो दो तीन तीन मिनट के गैप से रोक रोक के देखा करें, अगर वीडियो बड़ी है तो देखा करें कि शुरू के 2 मिनट में क्या हुआ, अगले 5 मिनट में क्या हुआ, उससे 6 मिनट में क्या हुआ, ऐसे करके तोड़ के वीडियो देखी जा सकती है। अपना और पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।